छात्रों नमस्कार, मैं इंद्रेश कुमार। आज कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न जो 2 है उसे हम कराएंगे इस वीडियो में। तो छात्रों, इस प्रश्न में आपको दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पूरे का भाग है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 भाग नहीं लेना, वैसे 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? छात्रों, सबसे पहले हमें क्या करना, चूंकि हमें दिया है कि 1/7 इसका मान है 0.142857 पूरे का भाग। अब यहाँ हमें 2/7 की अगर वैल्यू निकालनी तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्या 2×2। अब 2 × 1/7 का मान हमें पहले से पता है, वो क्या है, 0.142857 पूरे का भाग। अब हमें क्या करना, इन 2 का यहाँ गुणा करना, तो बनेगा 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10 और 1 = 11, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2, 0.0। इसका बार था तो यहाँ इसका बार आ जाएगा। इसी प्रकार अब हमें 3/7 का मान निकालना, तो इसे हम लिखेंगे 3 × 1/7 बराबर 3 × 1/7 का मान आपके पास है 0.142857 पूरे का बार। अब इस 3 का बारी बारी से प्रत्येक डिजिट में हम गुणा करें तो बनेगा 3 × 7 = 21, कैरी 2 भी, 3 × 5 = 15 और 2 × 17, 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, 3 × 4 = 12, 2, 3 × 1 = 3 और 1 = 4, यहाँ 0.42857 इस पूरे का भाग। ऐसे ही जब हमें 4/7 निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, 4 × 1/7 और 1/7 का मान आपको दिया है। ऐसे ही हमें 5/7 की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें क्या करना होगा, 5 × 1/7, क्योंकि 1/7 की वैल्यू दी हुई है। इसी प्रकार हमें 6/7 जब निकालेंगे तो हम करेंगे 6/7 को 6 × 1/7, 1/7 की हमें वैल्यू पता है, जो वैल्यू पता है उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो हमारी वैल्यू किसकी आएगी, 6/7 की। धन्यवाद।